أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عزیزان گرامی السلام علیکم। आज हम कुरान मजीद के पांचवें पारे والمحصنات का खुलासा बयान करेंगे। इसमें लेन देन में दुरुस्ती और कबायर से बचने की ताकीद है। मैंने अर्ज किया कि लेन देन की दुरुस्तगी, मुआमलात की सफाई ये दीन का मकसद है और कबायर, कबीरा गुनाह, उनसे बचना मोमिन की शान है। कबीरा गुनाह वो हैं जिनमें एक तो हद नाफिज होती हो या उन पे अल्लाह की तरफ से लानत आयद होती हो या जहन्नम की वाइद हो। यहां एक अहम बात जो कही जाती है वो ये है कि लैसल कबीरा बिल इस्तगफार व लैसत सगीरा बिल इसरार। अगर कोई कबीरा गुनाह किया जाए और माफी भी अल्लाह से मांग ली जाए तो वह कबीरा नहीं रहता, और कोई सगीरा गुनाह किया जाए, छोटा लेकिन उसमें इसरार हो जाए और वह आदत बन जाए तो वह सगीरा नहीं रहता बल्कि वह कबीरा बन जाता है। और इस सिलसिले में एक बुजुर्ग का कौल मुझे बहुत पसंद आया कि सगीरा और कबीरा के चक्कर में क्या पड़ते हो, यह मत देखो कि कैसी नाफरमानी की है, छोटी नाफरमानी की है या बड़ी नाफरमानी की है, ये देखो नाफरमानी किसकी की है। बस इतनी सी बात अगर जहन में आ जाए तो कोई सगीरा नहीं रहता, कोई कबीरा नहीं।